الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम मेरे भाइयों, इंसान की फितरत होती है कि वो अपनी खूबियों को जाहिर करता है और इंसान अपनी खामियों को छुपाता है। ये इंसान की फितरत है। जब उसके सामने उसकी खूबियों का तस्करा होता है तो इंसान उसे पसंद करता है। ये खूबियों के तस्करे से इंसान को इज्जत मिलती है और जब उसके सामने वो खामियों का और उसके अनेकों का तस्करा करता है तो इंसान उसको नापसंद करता है कि इंसान को इससे जिल्लत मिलती है। इसलिए इंसान को जब भी वो उल्टा सुलटा काम करना होता है वो सबके सामने नहीं करता बल्कि खलबतों में करता है, तनखाइयों में करता है। इसलिए कि उसको पता है कि मैं अगर बरबला लोगों के सामने को अल्लाह की नाफरमानी वाला काम करूंगा तो मुझे जिल्लत उठाना पड़ेगी। आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्होंने इंसान की फितरत को समझ लिया है कि इंसान खूबियों को जाहिर करता है, खामियों को छुपाता है। और इंसान ये नहीं चाहता कि मेरी नेक लोगों के सामने जाहिर हो ताकि मुझे जिल्लत उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर वीडियो कैमरे ईजाद किए, जगह जगह पर वीडियो कैमरे ईजाद किए। एक इंसान, एक नौजवान है, नई नई शादी हुई है, नई नई गाड़ी दी है और जवानों को गाड़ी तेज चलाने का बड़ा शौक होता है। जब कोई नौजवान गाड़ी लेकर चलता है उसको तेज रफ्तार गाड़ी चलाता है लेकिन उसको पता है कि वीडियो कैमरा लगा हुआ है और स्पीड की लिमिटेड है, कितनी स्पीड पर ही इंसान गाड़ी चला सकता है। तो फौरन कि मेरी पूरी की पूरी तस्वीर कैमरे में आ जाएगी तो अपने आप को कानून का पाबंद बनाता है। तो हुकूमत ने लोगों को कानून का पाबंद बनाने के लिए वीडियो कैमरे की इजाद की ताकि लोग कानून के पाबंद बने। लेकिन बहुत से ड्राइवर ऐसे मजबूत होते हैं जो रोजाना इसी सड़क पर चलते रहते हैं तो उनको पता होता है यहाँ वीडियो कैमरा है तो उसके आगे पीछे आहिस्ता चलते हैं फिर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार चलाना शुरू कर लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर की बात जगहों पर बल्कि बस दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पर राडार करके एक कैमरा लगाते हैं कि इंसान का जितना भी लंबा सफर होता है पूरा सफर उस कैमरे में आ जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। बहुत से लोगों ने मक्कतुल मुकर्रमा का सफर किया होगा तो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना का जो हाईवे है वहाँ राडार लगे हुए हैं, उसमें इंसान की
रफ्तार को नापा जाता है कि तुमने मक्का से मदीना तक गाड़ी को कितनी रफ्तार में चलाई है। जब लोगों के सामने तस्वीर के साथ तावीज आना शुरू हुए, आते ना तावीज घर पर, तो लोग कानून के पाबंद बन गए कि भाई तस्वीर भी आ जाती है। जब कोई इंसान कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो व्यापार आ जाता है, पर्ची आ जाती है। तो कानून का पाबंद बनाने के लिए इंसान वीडियो कैमरे की ताबीदारी करता है। दुनिया में बड़े बड़े मॉल से बड़े बड़े छोटे छोटे गांव की तरह आजकल तो मॉल बने हुए, पूरा का पूरा मोहल्ले की तरह मॉल से, और उसमें सारी की सारी चीजें ओपन होती है। हजारों किस्म के डॉलर भी, पैसे भी, और कीमती कीमती अशिया लोग अपने बैग में लेते हैं, वहां जाकर पैसे कटाते हैं, लेकिन कभी वहां चोरी नहीं होती। इसलिए कि इंसान को पता होता है कि मैं चोरी करूंगा, यहाँ सारा का सारा ओपन खुला हुआ पड़ा है, लेकिन मुस्तकिल एक कमरा है सिक्योरिटी निजाम का, वहां कुछ लोग बैठे बैठे मेरी हालत पर, मेरी रफ्तार, मेरे हाथ के इशारे, मैं क्या चीज देता हूँ, कहाँ मेरा हाथ जाता है, उन पर एक सिक्योरिटी निजाम की नजर होती है। इतना बड़ा ओपन मॉल के अंदर भी इंसान चोरी नहीं करता। जब हुकूमत बड़ी खुश होती है कि हमने दुनिया के इंसानों को कानून का पाबंद बना दिया है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट अगर लाइट चली गई, 2 मिनट, तो 2 मिनट की लाइट में इंसान को पता होता है कैमरा ऑफ है, लाखों डॉलर की व लाखों चीजों की चोरियां हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ने उनके घमंड को भी तोड़ दिया। ये अल्लाह तआला ये बताना चाहते हैं कि तुम दुनिया के कैमरों से अपने आप को बचाते हो अल्लाह की नाफरमानी से, और अल्लाह तआला का कैमरा तो हर जगह पर लगा हुआ है। 1500 साल पहले अल्लाह तबारक वताला ने प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक वताला अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया के इंसानों को बताया कुरान करीम की वही के जरिए कि तुम जिस ताकत के बंदे हो, जिस खुदा के बंदे हो, जिसकी बंदगी करते हो, उस ताकत का कैमरा हमेशा ओपन, हमेशा खुला रहता है। उस अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। वो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुव अल हय्युल क्यूम, वो अल्लाह जिंदा है, जिंदा रहेगा। उसका कयाम हमेशा से है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको कभी नींद नहीं आती, उसको कभी ऊंग नहीं आती। नींद बोलते हैं आराम से आदमी का दिल भी सो जाता, आदमी का दिमाग भी सो जाए और आदमी की आंखें सो जाए, उसको नींद बोलते हैं। ऊंग बोलते हैं आंखें बंद हो गई लेकिन दिमाग चालू रहे। आजकल तो ऐसा खतरनाक जमाना चलता है कि पूरी पूरी रात दिमाग चालू रहता है, आंखें बंद होती है, इंसान को नींद नहीं आती। इंसान साइकोलॉजी की वजह से इंसान बहुत दिमागी तवाजुन का शिकार हो बैठा है, मालदार बनने की उम्मीद की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर हर वक्त निगाह रखते हैं। अल्लाह तआला बंदों के इशारे को, बंदे के हरकत के सकनात को अल्लाह जानते हैं। काला पहाड़ हो और काले पहाड़ पर काली चूटी चल रही है, क्या खाती है, क्या बोलती है, उसके चलने की जो लकीरें जमीन पर पड़ती है, मेरा अल्लाह उसको भी जानता है। आहिस्ता बोलो तो भी जानता है, वासिल रोकऊ लकुम अबिजहरू भी, आहिस्ता बोलो तो भी जानता है, जोर से बोलो तो भी जानता है। वयअलम सिर्र वअख्फा, तुम्हारे दिल में कोई इरादा आया, ये करना है, नमाज पढ़नी है, नेक इरादा आया, या तुम्हारे दिल में कोई बदी का इरादा आया, मुझे ये गुनाह करना है, अल्लाह की नाफरमानी करनी है, किसी के हक को मारना है, झूठ बोल के गहक को निमटाना है, तुम्हारे दिल में कोई भी गलत इरादा आता है, अल्लाह उसको भी जानता है। या अलम सिर्र व अख्फा, अख्फा बोलते हैं अभी तुम्हारे दिल में इरादा नहीं आया, मुस्तकबिल में तुम्हारे दिल में कौन सा इरादा आएगा, मेरे अल्लाह आने वाले इरादे से भी वाकिफ है। उस अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में और उस अल्लाह तआला के कैमरे में हम सब हैं। या अय्युहल इंसान मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला है, मैं तुझे बराबर देख रहा हूँ। इन नरोबक लगे मिर्सां, आपका रब तुझे गांत लगा कर देख रहा है। मिर्सां बोलते हैं अरबी के अंदर, जब शिकारी जब शिकार को करता है तो शिकार करते वक्त तो उसकी पलक भी नहीं झपकती, उस कैफियत को अरबी में मिर्सां कहा जाता है। मेरा अल्लाह अपने बंदों को उससे भी ज्यादा देखता है, अल्लाह के सामने अंधेरे उजाले बराबर है। अरे शेख ने एक जगह पर लिखा है, एक नौजवान लड़का रात को अंधेरे में एक लड़की पर हाथ डाला, लड़की दिनदार थी, अल्लाह की नेकबंद लड़की ने कहा, उस खुदा से डर जो अल्लाह जिस तरह उजाले में देखता है वो अल्लाह अंधेरे के अंदर भी देखता है। उसने अपने हाथ को हटा लिया, उस अल्लाह के सामने अंधेरे उजाले कुछ नहीं है,
वो अल्लाह अल्लाह ताला खुद खुशरतुम वला नौम आसमान और ज़मीन का मालिक है, ज़मीन और आसमान का बादशाह है, आसमान के ऊपर को भी जानता है, ज़मीन के ऊपर को भी जानता है और ज़मीन के नीचे चलने वाली अल्लाह की जितनी मखलूकात ज़मीनों में है अल्लाह उनकी अदाओं को, उनकी गिज़ा को, अल्लाह उनके इल्म को भी जानता है। इसे हमेशा आदमी की एक कैफियत बने, ईमान बने कि मैं अल्लाह की निगरानी में हूँ, 24 घंटे अल्लाह का हर दम इस्तेहज़ार हमारा होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फजर की नमाज के बाद आपको एक सहाबी मिले हारिस बिन मालिक, तो आपने पहले पूछा सवाल कई फसबक गया हारिस, हारिस तुमने सुबह किस हालत में की, तुमने सुबह किस हालत में की। अब तो या तो कोई सुबह उठता ही नहीं कि खैरियत पूछे, कोई सुबह उठता है, सुबह को उठे तो खैरियत पूछे, हमारी सुबह तो सूरज के निकलने के बाद होती है। हजारों लाखों दुनिया में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज तक सुबह का सूरज की किरणें नहीं देखी और सुबह का खूबसूरत मंजर नहीं देखा, फजर के बाद की ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें नहीं देखी, फजर की नमाज के पहले मुर्गियों की अल्लाह की गुनगुनाती आवाज कभी कान में नहीं पड़ी, क्योंकि सो जाते हैं। रात को देर तक जागने वाला, सुबह में देर तक उठने वाला इंसान मोमिन नहीं हो सकता, फासिक हो सकता है। इसलिए आपने पूछा कई असबह तक आपकी सुबह किस हालत में हुई, कि असबह तो मोमिन हक़ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के लिए भी ईमान की हालत में सब सुबह की। तो आपने पूछा हर चीज की कोई ना कोई हकीकत है, वमा अलामतु ईमानिक वमा हकीकतु ईमानिक, हारिस ने मालिक तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है और तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है। इतना यकीन अल्लाह की जात पर बना हुआ था कि अल्लाह का हर दम इस्तेहज़ार था, तो फौरन कहा ये अल्लाह के नबी ईमान की अलामत यह है, अज़फ्तु नफ़्सी मिन अद्दुनिया, मैंने अपने दिल को दुनिया से बेरग़बत कर लिया है, असहरतु लयाली मैं पूरी रात बेदार होकर इबादत करता हूँ, अज़बक्तु नहारी मैं दीन को प्यासा रहता हूँ रोज़ा रखता हूँ, वकअन्नी अंदुरु वकअन्नी अर्श रब्बी अंदुरु मैं अल्लाह तबारक ताला के अर्श को ज़मीन पर बैठे बैठे देख रहा हूँ, ही लयुजारु बिही कि अल्लाह ताला के अर्श को लाया जा रहा है, वकअन्नी अहलुल जन्नति यतज़ावरून फीहा मैं दुनिया में बैठे बैठे जन्नत वालों की आपस की मुलाकात को, जन्नत के हूरों को, जन्नत के गिलमान को, जन्नत के बागा को ज़मीन पर बैठे बैठे देख रहा हूँ, वकअन्नी अस्मउ अहल कुबा का अहलिन नार अब जहन्नमियों की चीखों पुकार को ज़मीन पर बैठे बैठे सुन रहा हूँ, ये मेरे ईमान की निशानी है। मेहनत करते करते वो ईमान की सतह बनी थी कि ज़मीन पर बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन मालिक की तारीफ फरमाई, फिर कहा हारिस मोमिन मुक़बिल क़ल्बुहु, कि हारिस तो ऐसे मोमिन हैं कि उनका दिल तो ईमान के नूर से मुनव्वर हो चुका है, उनके दिल की रग रग में अल्लाह का यकीन बैठ चुका है। फिर कहा फस्तक़िम, हारिस इसी ईमानी कैफियत के साथ ज़िंदगी गुजारना है और मौत इसी ईमानी कैफियत के साथ तुम्हारी आनी है। आदमी हमेशा अल्लाह का हर दम इस्तेज़ार करे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे अल्लाह की निगरानी में हो। अल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत बड़े सहाबी हज़रत उमर के बेटे हैं, जंगल में जा रहे हैं और जंगल में एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। वे अक्सर बकरियों को चराने वाले आज के दौर में तो गैर मुहज़्ज़ब याफ्ता बगैर डिसिप्लिन के गरीब लोग होते हैं, उस ज़माने में भी गरीब लोग होते बकरियाँ चराने वाले। तो इब्न उमर सफ़र में थे, सहाबा साथ में थे साथी, इब्न उमर को भूख लगी तो कहा चरवाहे को बुला कर कहा बकरी हमें दे दे, हम बकरी को भूलेंगे, तुझे भी खिलाएंगे हम भी खाएंगे। तो कहा अब्दुल्ला ये बकरियाँ मेरी नहीं है, मैं तो बकरियों का चरवाहा हूँ, बकरियाँ किसी और की हैं। अब्दुल्ला ने उमर रदी उस नौजवान सहरा में बकरियाँ चलाने वाले का इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेकर पूछा, देखो जंगल में तो बहुत सारे भेड़िए होते हैं, सहराओं में रहते हैं और आमतौर पर सबको पता है कि भेड़िए बकरियों को खा जाते हैं, तो मुझे बकरी दे दे, मैं बकरी की कीमत तुझे दे दूंगा, हम बकरी को ज़बह करेंगे, तू भी खाएगा हम भी खाएंगे। अपने आका को कह देना कि बकरी को भेड़िए ने खा लिया है। वो जंगल में सहरा में बकरियां चराने वाला नौजवान इब्न उमर की तरफ देखकर यूं कहता है, इब्न उमर तुम क्या बात करते हो, फ़ैनल्लाह फ़ैनल्लाह फ़ैनल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा मालिक नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। इब्न उमर उसके बात को सुनकर दुनिया से जाने तक
ये चूल्हा बड़ी लज्जत के साथ अपने साथियों के सामने फरमाते थे फ़ाइनल्लाह कि उसको जंगल के चरवाहे को अरब के रेगिस्तान में बकरियों को चराते चराते अल्लाह का खौफ है और अल्लाह का इस्तेहज़ार है कि रब्बुल आलमीन मुझे यहाँ बराबर देख रहा है। फिर कहा चलो हमारे साथ खाना खा लो, कहा मैं रोजे की हालत में हूँ। बकरियों को चराने वाला चरवाहा जंगल के बकरियों को चराते चराते रोजे की हालत में है। उस वक्त इतना खुदा का खौफ था, जिंदगी में तकवा था, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिलों में थी। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी के 60-70 साल गुजारे इस यकीन पर कि मैं रात के अंधेरे में क्या करता हूँ। यह अलम खाइनत अल-अय्यून व मा तुख्फी अस-सुदूर, आँख की खयानत को भी अल्लाह जानता है। तूने इस आँख से किसको मोहब्बत से देखा, किसको अदबस से देखा, किसको इधर देखा, किसको उधर देखा, और देखने के बाद तेरे दिल में जो वसवसों का तूफान उठा। देखने के बाद तेरे सीने में, तेरे दिल में जो मोहब्बत आई और जो वसाविस का जज्बात उठे, अल्लाह उसको भी जानता है। हम 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में हैं। मदीना मुनव्वरा की एक बस्ती में एक औरत, एक माँ और एक बेटी आपस के अंदर बातें कर रहे हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ रातों को राउंड मारते थे, हमारी तरह वक्त के बादशाह सोते रहे थे। उमर फारूक को अल्लाह का डर था और उनका एक जुमला हमारे कानों में पड़ता है कि अगर दरियाए फुरात पर एक कुत्ता भी कैसा मर गया तो उमर को अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह ने मुझे मुसलमानों का अमीर बनाया है। रात को राउंड मारते मारते एक गड्ढे से आवाज आई, कान लगाकर सुनने लगे। माँ अपनी बेटी को पूछ रही है, बेटा बकरी ने कितना दूध दुहा है? क्या मदन बकरी ने आज थोड़ा दूध दुहा है? तो कहा दूध देने वाले तो हमारे पास ज्यादा लोग हैं और आज तो दूध कम है, एक काम कर पानी को मिला दे। तो कहा अम्मा जान कबील मोमिनीन देख रहे हैं। कबील मोमिनीन कौन? कबील मोमिनीन तो रात को सोए होंगे। अगर अबील मोमिनीन नहीं देखता तो अबील मोमिनीन को पैदा करने वाला और मुझे और आपको पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। इतनी ईमानी कैफियत के साथ एक छोटी सी बेटी अपनी अम्मा के सामने बात कर रही है और अम्मी भी अपनी बेटी का ईमान का इम्तिहान दे रही है। अरे उमर फारूक ने रात को कुछ नहीं किया और अपने घर पर चले गए और सुबह फजर की नमाज के बाद घर का एड्रेस दिया कि बच्ची तो कुंवारी है और अपने बेटे से निकाह का पैगाम भेजा है। उस जमाने में मालों की बुनियाद पर निकाह के पैगाम नहीं होते थे और हुस्न परस्ती की बुनियाद पर निकाह के मैसेज नहीं हुआ करते थे, निकाह का पैगाम नहीं हुआ करता था, बल्कि निकाह में सिर्फ दो बातें देखी जाती थी, बच्चे और बच्ची के अखलाक देखे जाते थे और बच्चे और बच्ची की दिनदारी देखी जाती थी। अगर अखलाक अच्छे हैं, दिनदारी अच्छी है तो रिश्ते कबूल कर लिया करते थे। अगर हमारे फारूक ने कहा ये बेटी अमानतदार है, रात के अंधेरे में उसके दिल में अल्लाह का डर है, अपने बेटे से निकाह करवाया है और निकाह करवाने के बाद उन्हीं के औलाद में से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पूरी दुनिया जानती है। उमर बिन अब्दुल अजीज को पूरी दुनिया जानती है। 2 साल और 2 महीने तक खिलाफत का जमाना संभाला है और उनके जमाने में 2 साल में 3 बर्र-ए-आज़म के गवर्नर बने, लेकिन पूरे 3 बर्र-ए-आज़म में एक इंसान भूखा नहीं था, एक इंसान प्यासा नहीं था, कोई जालिम नहीं था, कोई मजलूम नहीं था, कोई ज़कात को लेने वाला नहीं था। उस वक्त के मालदार सोना और चांदी की गोलियों को भर भर के गलियों में ढूंढते थे, लेकिन हर घर से आवाज आती थी हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है। जब अदल चलता है तो रिस्क की बारिशें उतरती हैं, जब इंसाफ होता है तो आसमान के दरवाजे अल्लाह खोल देता है, लेकिन जहां जालिम की हुक्मरान बन जाए, हुक्मरान की जालिम बन जाए और मजलूम की हाय हाय सुनने वाला कोई न हो और सड़कों में लोग गंदे कीड़े की तरह रहते फिरते हो, उनकी हाय हाय सुनने वाला कोई न हो, फिर चीजें भी महंगी हो जाती हैं। अल्लाह इंसानों के आमाल को देकर अल्लाह हाकिम को भी मुसल्लत करता है। ये सारे के सारे हमारे गुनाहों का और हमारी बदअमली का नतीजा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अपनी जवानी बड़ी शौक में गुजारी, बचपना बड़े शौक में गुजारे। उनके उनकी घरवाली फातिमा, उनके अब्बा भी मरवान भी बादशाह, अब्बा भी बादशाह, सुलेमान उनके भाई भी बादशाह, हिशाम भी बादशाह, उनके शोहर भी बादशाह। इस दुनिया में सबसे बड़ी सियासी एतबार से इस औरत से ऊपर कोई नहीं है। 7 नस्बतों के साथ वो बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बहन थी और बादशाह की बीवी थी। हज़रत उमर जब खलीफा बने अपनी बीवी को फरमाया
بنظام زندگی کی جوانی خوشی کے ساتھ گزاری ہیں, اب اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے, اب سکھ نہیں ہوگا, گھر میں دکھ آئے گی, میں بیت المال میں سے ایک روپیہ حکومت کا میں نہیں لوں گا, نہیں لوں گا. اگر تم نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو, لیکن میرا حق تم کو نہیں ملے گا, اور اگر تم جانا چاہو تو خوشی کے ساتھ جا سکتی ہو. کہا میرے پیارے شوہر میں آپ کا حق میں معاف کر لیتی ہوں. فرماتے دو سال حکومت کے ملنے کے بعد دو سال دو مہینے تک حضرت عمر بن عبدالعزیز میرے بستر پر نہیں آئے, اور ان کو غسل جنابت جنابت کا غسل ان کو واجب نہیں ہوا. پوری پوری رات اللہ کے سامنے تڑپتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے. پھر کہا بیوی جان اپنے سونا اور چاندی کے زیورات کو نکالو, یہ سونے اور چاندی کے زیورات ہمارے نہیں ہیں, یہ تو حکومت کے پیسوں کے ہیں. چاند کی بالیاں نکلوائی, ہاتھوں کے سونے کے کنگن نکلوائے, پیروں سے پازیب نکلوائے, اور ایک فقیرانہ زندگی گھروں میں گزاری, اور سارا لے کر بیت المال میں جمع کر دیا. عید کا وقت آیا, بارہ تھے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے, عید کا وقت آیا, وہاں تو بادشاہوں کا زمانہ تھا, اچھے اچھے کپڑے لوگ پہنتے تھے, بارہ بیٹوں کے کپڑے نئے ہیں اور کپڑے پرانے ہیں. تو بیوی نے کہا عمر بچوں کے کپڑے کا انتظام کرو, کہ میرے پاس تو ایک بھائی بھی موجود نہیں ہے. اتنی بڑی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی مٹھی بند کر دے, یہ تو یہی تو بادشاہ ہے, مال غنی بیت المال ان کا ہے, تین بر اعظم کا بادشاہ ہے, دنیا میں زکات دینے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اپنی ذاتی زندگی کو ایسا بنایا تھا کہ میں اپنی حکومت سے رب العالمین کو راضی کروں گا. تب فرمایا عید کے کپڑے تو نہیں ہو سکتے, تو کہا تمہارا منشی جو تمہارا اکاؤنٹ لیتا ہے اس کو تو کہہ دو, اس کو تو کہہ دو کہ ایڈوانس ایک مہینے کی سیلری پہلے سے دے دے. تو کہا مزاحم آؤ, اور کہا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, مجھے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں. تو مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ لکھ کر دے دو کہ میں آئندہ مہینے تک میں زندہ رہوں گا تو میں آپ کو دیتا ہوں. تقوی کا وہ عالم تھا, جب بادشاہ کی زندگی میں تقوی تھا تو وہاں کی رعایا کی زندگی میں تقوی تھا, کہیں تو میں نہیں ہو سکتا. عید کا وقت ہوا, امیر المومنین نے عید کی نماز پڑھائی, اور عید کی نماز کے پڑھانے کے بعد بادشاہوں کے بیٹے سلیمان بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک کے اولاد اچھے اچھے لباس میں اچھے اچھے پوشاک میں ان کی ملاقات میں امیر المومنین کی, ان کے بچے بھی آئے. بارہ بچوں کے کپڑے پرانے ہیں, حضرت عمر کی نظر بچوں کے لباس پر پڑی, حضرت عمر کی آنکھ تب تک ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے کہ بچوں میں جہنم کی آنکھ نہیں خرید سکتا, اور میں بیت المال سے ایک روپیہ لے نہیں سکتا, بیٹو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. ان کے سارے سلیمان نے کہا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, آپ اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو فرمایا دیکھو میرے بیٹے اگر دیندار ہیں تو میرے بیٹوں کا والی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, کہ میرے بھانجے ہوتے ہیں میں ان کو ایک ایک لاکھ دینار دے دوں. تو کہا حضرت عمر نے کہا جا, جن لوگوں کے تم نے پیسے لوٹے ہیں ظلم کر کے بادشاہ کے زمانے میں, ان کو پیسے واپس کر لے, میرے بیٹے کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے بیٹے دیندار ہیں تو قرآن کا وعدہ ہے وہ یتول الصالحین, اللہ نیک لوگوں کا والی ہے. اگر میرے بیٹے اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ جانے ان کا اللہ جانے, اور اہل علم نے لکھا ہے ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت عمر کے بارہ کے بارہ بیٹے بارہ صوبوں کے گورنر بنے, اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے, ایک ایک بیٹا اللہ کے راستے میں, ایک ایک ہزار گھوڑے جہاد میں اللہ کے راستے میں بیچتا تھا. اور سلیمان بن عبد الملک جس نے ایک لاکھ دینار اپنے باندوں کو دینے کا کہا تھا, اس کی اولادوں پر اللہ نے قحط ڈالا, فاقے ڈالے کہ جمعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے. یہ اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم استحضار ہماری زندگی میں ہو, کہ مال اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ کے امتحان میں ہے, غربت ہے تو اللہ کے امتحان میں ہے, نہ مال کو بقا ہے نہ غربت کو بقا ہے, ایک دن دنیا کا فنا ہے, نہ مال کا مال باقی رہے گا, یہ مال دھوکا ہے. انسان مال کمانے کے لیے, دنیا مال کمانے کے لیے انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے, اور موت پر مال کو چھوڑ دیتا ہے. موت کے بعد نہ مال ملا نہ دین ملا, یہ سب سے بڑا دھوکا ہے. یہ انسان کو سوچنا ہے کہ مال کی بنیاد پر دین کو چھوڑا, مال کی بنیاد پر نماز کو چھوڑا, موت کے وقت
माल भी गया और दीन भी गया, इंसान खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जब अल्लाह के सामने खड़ा होने का वक्त आएगा, बड़े बड़े इंसान भी अल्लाह के सामने थर्रा जाएंगे। इसे भाई अपनी जिंदगी को अल्लाह के सामने जिंदगी गुजारे। अल्लाह का हर दम इस्तेहजा, मेरा अल्लाह मुझे बराबर देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बराबर देख रहा है। ये माहौल बना हुआ था नेकियों का। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह इमाम हनीफा के शागिर्द रहे। इमाम हनीफा हमारे इमाम साहब हैं। 40 साथियों की रुकने मुशावरत बनाई थी, अरकान मुशावरत उनके एक रुकन थे, लेकिन तकवे के पहाड़ थे। दाऊद ताई फरमाते में 4 साल का बच्चा था, मेरे मामू मेरे पास आते थे और कहते, बेटा जब तू सोने का इरादा करे ना तो 3 मरतबा ये बात कहा कर, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। कि मैं 4 साल का बच्चा जब रात को सोता, ये 3 मरतबा पढ़ के मैं रात को सो जाता। कुछ महीनों के बाद फिर मेरे मामू जान आए कि बेटा अब 21 मरतबा पढ़ो, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ताकि बचपन से अल्लाह का यकीन हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब नौजवान जब बिस्तरों पर सोते हैं, उनके दिल में गुनाहों के तूफान शुरू हो जाते हैं, उनका दिल गुनाहों की तरफ माइल होता है, तो सोते वक्त ही कहा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। उसकी बरकत हुई कि दाऊद 23-7 साल की उम्र में कुरान करीम के हाफिज बन गए। अल्लाह का हर दम इस्तेहजा कि मेरा अल्लाह मुझे बराबर देख रहा है। सुलेमान दारा भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम 3 साल हज के सफर में चले, हज के सफर में चले और हमारे पास 2 शब्द था, एक जगह हमने पड़ाव डाला। हमारे 2 साथियों ने कहा अब एक काम करो, आप यहाँ रहो खेमे में, हम दोनों थोड़ा तोशा लेकर आते हैं। कि हम दो हमारे दो साथी तोशा लेकर चले गए। मैं अपने कमरे में नमाज में मशगूल था, एक औरत आई और आने के बाद कहा मुझे कुछ दे दो, तो समझा मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हो। मैंने रोटी का टुकड़ा दिया कि मैं वो चीज़ नहीं मांगती, मैं वो चीज़ तुमसे मांगती हूँ जो एक औरत अपने शोहर से मांगती है। इतना कहना था अबू सुलेमान दारानी लरस गए, कांप गए, उनके बदन में कपकपी तारी हो गई और उनके आंखों में टपटप आंसू गिरने लगे। वो औरत उनको रोता देखकर वहां से चली गई। रात को ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की जियारत हुई, तो कहा अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तुमको जुलेखा ने दावत दी तो तुमने अपने दामन को पाकदार रखा, अपने दामन को तुमने गुनाहों से बचाया। हज़रत यूसुफ ने फरमाया कमाल तो तेरा है, मैं तो अल्लाह का नबी था, नबियों की हिफाजत तो अल्लाह जरूर करता है, लेकिन तूने एक वली होकर एक औरत के गुनाह की दावत से अपने दामन को बचाया। जब इंसान के सामने अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का हर दम इस्तेहजार। मेरे भाइयों, मैं और आप जिस हालत में हैं, जिस हालत में, इस हालत में हम ही जानते हैं हमारे ऐब अल्लाह ने छुपाए हैं, अल्लाह ऐबों को छुपाने वाले हैं। उसे उलमा ने लिखा है, इस इंसान ने एक दिन गुनाहों से खाली गुजारा, उस दिन उसने वो नबी की सोहबत में गुजारा। एक दिन गुनाहों से खाली गुजारा, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का कौल है, एक दिन गुनाहों से खाली गुजारा, उसने वो दिन नबी की सोहबत में गुजारा। फिर फरमाया अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम्हारी तारीफ नहीं करता, वो तो खुदा की सत्तारी की तारीफ करता है। क्यों अल्लाह ने तुम्हारे ऐबों को छुपाया है, तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाला है। लेकिन भाइयों, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता इब्ने रबह के दिल में बात डाली, अता जब मेरा कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है तो सारे के सारे दरवाजे बंद कर लेता है जहां से लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन एक दरवाजा खुला रखता है जिसको मैं देखता हूँ। क्या रब्बुल आलमीन मखलूक के मुकाबले मेरी कोई हैसियत नहीं है, हालांकि मेरा वीडियो चल रहा है, हमारी वीडियो बन रही है, वीडियो आखिरत में खुलेगी। हम जिस हालत में है ना, उसी हालत में आखिरत में उठ नहीं सकते। अभी हमारे जो अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छी टोपियां के लोग हमें दीनदार समझते हैं, घर के मुआशरे में हमारा एक वैल्यू है, आखिरत में वो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमारे ऐबों को छुपाया है। फिर मेरा अल्लाह अपना फजल फरमा दे, फिर अल्लाह अपने बंदों को, मेरे बंदे तेरी वीडियो ओपन कर दू, ऑन कर दू, खोल दू, तेरी बीवी भी है, तेरे नबी भी है, तेरी माँ भी है, तेरे भाई भी है, तेरा वीडियो चलेगा, तेरी जवानी तेरी बीवी के सामने आएगी, तेरी रातें तेरी बीवी के सामने आएगी, तेरे गुनाह तेरी माँ के सामने आएगी। वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने तड़पेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम के हवाले कर दे, मेरे करतूत मेरी बीवी को मत बता, मेरे करतूत मेरे माँ बाप
کو مت بتا, میرے کرتوت میرے اساتذہ کو مت بتا, اور میرے سرکار کو مت رونا میرے کرتوت کو بتا کر, وہ حالت میری ہوگی اسے میرے بھائیو ہم سب کی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اسے ضروری ہے ہمیشہ یقین محکم کے ساتھ اللہ کے ہر دم استحضار کے ساتھ زندگی گزارے کہ خلوت اللہ کے سامنے ہے, جلوت اللہ کے سامنے ہے, اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. ہاں آج ایک انسان ریکارڈ کرتا ہے پوری بات بھول جاتی ہے, پورا ویڈیو ہمارا تیار ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو انسانوں کی تصویر کے ساتھ اللہ بتائے گا یہ ہوا یہ ہوا, زبان تو اللہ بند کر لے گا. انسانوں کے اعضاء الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اور سب سے پہلے انسان کی رام گواہی دے گی اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. اسے میرے بھائیو اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ چپ کے آتا ہے, ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں اللہ دو ہاتھ بڑھتے ہیں. بس اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے توبہ کرے. یہ سارے کے سارے لہو ستے جو دنیا میں ہے نا, میرے اور آپ کے گناہوں کے اثرات آسمان کو اور زمین کو اور اللہ کے عرش کو ڈلتا رہے ہیں کہ گناہوں سے دنیا بھر چکی ہے. اسے میرے بھائیو ہم سب اللہ سے توبہ کر کے جاوے, ہم جمعہ کے نمازی نہ بنے, ہم پانچ وقت کے نمازی بنے, ہم مسجد کے مسلمان نہ بنے, ہم بازار کے بھی مسلمان بنے, آفس کے بھی مسلمان بنے. میرا اللہ ہر جگہ ہے, میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے. موبائل کی تصویر میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں آنکھ کو بند کر دے, تیرے دل کی دھڑکن کو اللہ بند کر کے تیری موت دے وے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میرے نبی کی دعاؤں سے اللہ نے ہم سب کو سہارا دیا ہے. اسے بھائیو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن پانچ وقت کی نماز کے پابند بنے, قلوب کو پاک صاف کرے, حلال روزی کمائے, کسی کو دکھ نہ دے, کسی کو تکلیف نہ دے. بس اللہ کا ہر دم استحضار کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, میرے بندے تجھے پتا نہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں لیکن میری رحمت بہت بڑی ہے. میں چاہتا تو گناہ کرتے وقت ہی ایمان کو کھینچ لیتا, میں چاہتا اس کی موت دے دیتا. رب العالمین ایسے نہیں ہے, 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا میرا اللہ ہے. ایک ماں اپنے نافرمان بچے کی نافرمانی پر جتنی جلدی راضی نہیں ہوتی, اس طرح رب العالمین اپنے بندے کے دو آنسو ٹپ ٹپ گرانے پر میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے, رحمت کی چادر کو پھیرا لیتا ہے. آجا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اسے میرے بھائیو ایمان کو مضبوط بناؤ گے انشاءاللہ تو عمل پر زندگی آئے گی اور میں اور آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.